गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत करता हूँ दोस्तों फिर से और एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज का मौसम जो है बहुत ही बढ़िया धूप दे रहा है एंड मैं जो है एक्चुअली दोस्तों मेरे मामा जी के वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। एक्चुअली मेरे मामा जी जो है वो शादी करने वाला है, मंडे को उसका शादी है, वेडिंग पार्टी। एंड उससे पहले जो है कुछ काम भी बाकी रह गया था, तो उस कल भी गए थे हम लोग। एक्चुअली कल जो है मैं वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, वो सब कुछ बनाते हैं। वो पैंडल जो है थोड़ा सा वो रह गया था उसको सजाने के लिए, जो स्क्रीन होते हैं सब कुछ लगाना पड़ेगा आज को। एंड तो उससे पहले मुझे सुभाष जो है मेरा दोस्त का दुकान का थोड़ा सा तौर कराता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरा दोस्त सुभाष जो है इन्होंने जो है यहाँ पे दुकान दे दी है। एंड मेरे दोस्त शायद अंदर में है और ये देखिए क्या देख रहा है भाई, सुबह 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 ये सेलिंग हुआ है। वो देख रहा है कितना हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या सामान है इसका दुकान में। ज्यादा सामान नहीं है, थोड़ा मोरा ही है, थोड़ा मोरा ना। और नीचे तक देखिए धीरे धीरे लाऊंगा नया नया सामान, ये बहन से खरीदा हुआ है थोड़ा मोरा। कांग्रेचुलेशन, नया दुकान नया बिजनेस, थैंक यू। आगे बढ़िए। और तो गाइस आप लोगों ने तो देख लिया, एक्चुअली यहाँ पे जो पहले बहन जो यहाँ पे दुकान दिए थे एंड उन लोग जो है चले गए यहाँ से। एक्चुअली उसका हस्बैंड जो यहाँ का नहीं है, सांगलांग डिस्ट्रिक्ट का है, तो उसका ससुराल चले गई बहन। तो दुकान को जितना भी सामान था सुभाष ने रख लिया एंड और नया सामान भी लाए थे ना सुभाष, लाया था। और अभी जो है नया से ओपनिंग किया सुभाष ने और छोटा मोटा पार्टी भी दे दिया ना तुम, दे दिया तुम ओपनिंग। लेकिन हम उस वक्त मौजूद नहीं था, प्रेजेंट नहीं था मैं जब सुभाष पार्टी कुछ नहीं, तो मुझे तो और कुछ भी जूस वगैरह तो पिलाए थे, अच्छा लगा। तो सुभाष को जो है अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सुभाष, आगे बढ़िए, नया बिजनेस खुला है। तो दोस्तों एक्चुअली अभी जो है सुभाष और मैं जाने वाला है यहाँ वहाँ पे मामा जी के वहाँ पे जहाँ पे शादी हो रहा है ना, मंडे को शादी है। तो आज जो है जो भी जो पहले भी बताया था वो पैंडल को जो है थोड़ा ठीक कराना है एंड इसका बहन को दुकान में रख के जाएगा, यानी वो दुकानदार के लिए ना, तो हम दोनों जाएंगे। तो गाइस मिलेंगे वहाँ पे, जो भी होता रहेगा मैं दिखाता रहूँगा। तो आप लोग पूरा वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो यहाँ पर जो अभी सामान पहुँच चुका है दोस्तों, तो यहाँ से एक एक करके जो है सामान को उतारा जाएगा और जितना भी सामान था लाया गया है। तो गाइस ये रहा मामा जी का घर। तो कल जो हम लोग यहाँ पे ये बनाए थे फ्रेम एंड वहाँ पे मामा जी में, और इसमें जो है शादी के लिए वेलकम गेट जो है अभी तक तैयार नहीं हुआ, वो बाद में जो वहाँ पे बनाएंगे। और गाइस बता दूँ तो हम लोग जो है यहाँ पे खाना जो है पकाने के लिए इसमें जगह भी खाली रखा है, ये देख सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे चावल को पैकिंग करके इसमें रखा जाएगा दोस्तों, तो इसमें भी ये बनाया गया है। और लकड़ी जो है बहुत बढ़िया से अभी धूप में सूख रही है, छोटे छोटे पीसिंग की है। और ट्यूबवेल बिल्कुल सामने ही है और पानी के लिए थोड़ा दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे कना बनाने के लिए। इसमें जो है सुल्हा बनाया जाएगा, तो उसको भी दिखाऊंगा मैं। और इसमें पैटी देखिए इतना भरा पैटी, उसमें अंदर में जो है सामान ही है। और ये सबको लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे पैंडल में, ये पैंडल का सामान है और उधर में अंदर भी है बस्ता के अंदर में। तो सारे के सारे जो है सब कुछ यहाँ पे उतारा जाएगा। और अभी बच्चे लोग जो है अभी सब उतार रहे हैं। ये रहा चावल दोस्तों, एक्चुअली चावल का बस्ता जो है अभी यहाँ पे कुछ सेट हो गई है इसमें, तो इसमें पूरा चावल भी निकल आ चुके हैं। यहाँ पे जो हम लोग अभी तक वो नहीं लगाए थे स्क्रीन वगैरह, जो भी पर्दा था ना, जो भी पर्दा है सब कुछ यहाँ पे लगाना पड़ेगा बाद में, वो सब करेंगे। एंड अभी जो है हम लोग यहाँ पे बनाने वाला है गेट, वेलकम वाला गेट। और यहाँ पे जो है हेड मिस्त्री काम कर रही है और साथ में मैं हेल्पर हूँ, असिस्टेंट मिस्त्री मैं ही हूँ। और यहाँ पे मामा जी है, ये भी मेरा मामा लगता है एक्चुअली, और इसका काम बहुत बढ़िया बनता है। बच्चा लोग तुम लोग क्या खा खाओगी शादी में, हाँ रसगुल्ला? Yeah.
शादी के लिए, मेरा मामा जी शादी कर रहे ना, उसके लिए गेट में ये वेलकम लगाने के लिए बना रहा हूँ। समय बहुत कम बचा है इसलिए जरा तो करना पड़ रही है थोड़ा इमरजेंसी में। काल जो है मैंने थोड़ा अधूरा सूरत था काम को दोस्तों, एक्चुअली काल जो है सिर्फ वेलकम वाला हो गया और अभी जो है ये थैंक्स लिखना बाकी है, तो इसको भी करना होगा दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं आंटी लोग जो है पूरा चावल को सफाई करने में लग गए हैं। और यहाँ पे देखिए बाहर पे ये पेंडल को जो है ऊपर में त्रिपुलिन डालने के लिए ये रस्सी को जो है टाइट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिपुलिन भी लगा रही है और छोटे छोटे बारिश की बूंदे भी गिर रही है दोस्तों। तो फटाफट जो है सब कुछ ये इसको करना होगा और ये बच्चे भी पूरा काम में लग गए हैं। तो गैस आप लोग ये मत कहना कि मैं जो सिर्फ वीडियो कर रहा हूँ, तो बात वो नहीं है, मैं भी काम करके अभी जो है थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। तो इसी बहाने में जब मुझे भी थोड़ा वीडियो शूट करने में टाइम मिलता है इसलिए मैं जो अभी वीडियो कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों ये सब बनाने में, एक्चुअली मज़ा थोड़ा कम है दोस्तों, इसलिए जो है दूसरों को ये पैसा दे के बनाने नहीं दिया, हम लोग खुद कर रहे हैं। वैसे भी पैंडल भी थोड़ा छोटा है दोस्तों, तो हो जाएगा, बस आदमी थोड़ा कम भर गया है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस त्रिपुलिन को जो है किसा जा रहा है ऊपर, एक्चुअली छोटे छोटे बारिश की बूंदे गिर रही है ना, तो नहीं तो पूरा मिट्टी भी गीला गीला हो जाएंगे ये नहीं ढकने से जल्दी। एक्चुअली गाइस गाना बजा रहा है ना, इसलिए जो है मैं वीडियो को जो है वॉइस कवर दे रहा हूँ। और हम लोग जो जो बनाया ये देख सकते हैं, अभी चेक कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ और चेक भी कर रहा हूँ कहाँ पे हो गया कहाँ पे नहीं हो गया ये स्क्रीन को लगाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मामा जी जो है ये देखो मिला दुख देखा देखो कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैं जो है गाना को पूरा बंद करके अपना वॉइस कवर दे रहा हूँ। पैंडल भी जो है तैयार हो चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम गेट, और अंदर में जाके देखते हैं। और ये रहा, यहाँ से देखिए तो पैंडल जो है दोस्तों ये वाला थोड़ा सा बाकी रह गया था, और एक्चुअली सुबह को जब बारिश दिए थे उसी कारण जो है अभी तक और फिर से जब मिलाना पड़ रहा है। एक बार घर का तोड़ भी कर देते हैं दोस्तों। और अभी जो है यहाँ पे घर का तोड़ देखिए दोस्तों, और ये है पे अंदर पे देखिए यहाँ पे भी तैयारी चल रहा है। इसमें जो है अंकल मामा जो है इसमें बल्ब लगा रही है और इसके सीलिंग को दे रही है स्क्रीन को, एंड अंदर का देखिए। और ये देखिए गाइस, और बैलून जो है अभी लगाना बाकी है, तो ये देख सकते हैं। तो काल से ज़्यादा तो हम लोग काम कर रहे थे, पूरा जब तैयारी नहीं कर पाए थे हम, और भी बहुत से सारे काम बाकी हुए, तो जो भी होते हैं मैं दिखाते रहूँगा आप लोग, थोड़ा वीडियो भी बने रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे पहले भी बताया था मैंने दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे कुकिंग किया जाएगा। एंड बता दूँ गाइस मैं जो है अपने हैंड राइटिंग से लिखा है ये थैंक्स वाला लिखा है मैंने, और इधर भी वेलकम वाला मैंने ही लिखा है। ये रात को लिखा था आप लोग देखा है, और ये मॉर्निंग को लिखा था थैंक्स वाला। तो गाइस एक्चुअली जो है यहाँ पे तो ये हो गया, और ये जो है हम लोग खादी कहते हैं इसको जो है, और उधर में एक और इधर में एक लगाएंगे, दो लगाएंगे, तो दोनों जो है पूरा बराबर करना है। और अंतिम लाया है जैस अभी यो, ये कैसे
ऐसा देखो ना, ऐसे लगाएगा वहाँ पे इधर, तो इधर से ऐसे उठाएगा। तो यहाँ पे मेरे दोस्त सुभाष भी काम में लग गए हैं एकदम पतापत, और बारिश आने का चांस है दोस्तों। तो यहाँ पे कुकिंग के लिए दोस्तों चूल्हा बनाया जा रहा है कुक के द्वारा, ये देख सकते हैं। और ये देखिए इसमें जो बर्तन वगैरह रखा है, काफी छोटे से तो मछली है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है देख सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है। हम लोग का ये लोकल मछली है, ये नदी से मिलने वाला। और ये जो है लड़की पार्टी से इन लोग सफाई करेंगे, जितना भी लड़कियां हैं इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस मछलियाँ को जो है फ्राई किया जा रहा है। और ये देखिए इस साइड में जो है इसमें एक चूल्हा है, तो उसमें चावल पकाएंगे और यहाँ पे मछलियाँ फ्राई कर रही हैं। एंड बता दूँ गाइस मेरे जगह में जो है सुभाष अभी आ गया और मैं वीडियो शूट करने लगा। एक्चुअली मैं दो टुकड़ी बनाया था, तो सुभाष अभी ये कर रहा है। रात तो हो चुका है दोस्तों, अभी जो है डिनर के लिए सब्जियां बनाया जा रहा है, मिक्स सब्जियां। यहाँ पे जलेरियों के द्वारा जो है पत्ते के ऊपर पोसा जा रहा है। एक्चुअली खाल को जो है ये पैकिंग के लिए पूरा ये सफाई करके रखना होगा। एंड और ये देख सकते हैं एकदम फ्रेश फ्रेश वाला पत्ते। ये रहा आंटी, तो डिनर जो है सभी लोग कर रहे हैं अभी, बुरे बच्चे जवान। बिल्कुल बीच में बैठ के अपना डिनर कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं ये रहा मेरा डिनर। चीयर्स। आज का डिनर जो है दोस्तों एक्चुअली मीट नहीं है, तो कल सुबह होती है हम लोग जो है मीट खाने को मिलेगा। सो गाइस फाइनली हम लोग का डिनर भी हो चुका है एंड सभी लोग जो है अपना डिनर करके चले गए हैं। कल जो है दोस्तों हम लोग सवेरे होती है यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही सारे काम बचे हुए उसको भी करना पड़ेगा। एंड आप लोग को पता है कल जो है वो शादी भी होगा, शादी पार्टी तो लोग जो भी होगा मैं दिखाते रहूँगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को यहाँ में समाप्त करना चाहता हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना, तो मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, लव यू गाइस, सब्सक्राइब करके जाना।